Hello everyone in today's video we'll be starting the test of significance for large samples for large samples we perform the z test first we'll be seeing a basic example based on z test and then we'll be starting with the test of significance for single proportion let's get started the example says a coin was tossed 960 times and returned heads 183 times test the hypothesis that the coin is unbiased use 0.05 level of significance here the first thing that is given to us is a coin was tossed 960 times so this 960 indicates your small n which is the number of times the coin was tossed it is 960 and returned heads 183 times रिटर्न हेड्स का मतलब हो जाता है कि नंबर ऑफ सक्सेस आपको कितना मिला है तो योर नंबर ऑफ सक्सेस विल कॉल इट एज एक्स एंड नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू वन एटी थ्री देन इट इज सेड द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू वॉच माई फर्स्ट वीडियो ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच इज़ रिलेटेड टू द बेजिक टर्मिनोलॉजीज देन ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड what all steps we are going to do in this video if we are tossing a coin we can get either heads or tails that is the probability of getting head if i indicated using small p then p will be equal to 1 by 2 because there are 50-50% chances of getting heads or tails and q is equal to 1 minus p which is 1 minus 1 by 2 that is it will be 1 by 2 we'll use binomial distribution to find the mean and the standard deviation so mu is equal to using binomial distribution mu is equal to np n into p that is 960 into 1 by 2 960 divided by 2 it is equal to 480 so this is our mean and another thing that we need to find is standard deviation why we are finding this because we need to put this as the input in order to find Z. So, sigma is equal to under root of NPQ. It will be under root of 960 into 1 by 2 into 1 by 2, which comes as 15.49. So, I have found the mean and standard deviation. The next thing that we will do is. आर सिक्स स्टेप्स स्टार्टिंग विथ द नल हाइपोथेसिस सो नल हाइपोथासिस इट इज़ डोनोटेड बाई एच नॉट एंड विल राइट दैट द कॉइन इज अनबायस्ड वाई वी हैव रिटन दिस बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज़ आज टू अस टे इज़ द हाइपोथासिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ट तो जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछी है वो आपको नल हाइपोथासिस में लिखनी होती है दैट इज़ वाई नल हाइपोथास में हम क्या लिखेंगे दैट द कॉइन इज़ अनबायस्ड पहली चीज़ नल हाइपोथेसिस एच नॉट से हम डिनोट करेंगे एंड देन वी नीड टू राइट कि द काइन इज अनबायस्ड अभी नल हाइपोथेसिस में हमने लिखा है कि द काइन इज अनबायस्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू नल हाइपोथेसिस विच आई हैव एक्सप्लेन इन माई फर्स्ट वीडियो सो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथैसिस डिनोटेड बाई एच वन लिखना है हमें द काइन इज बायस्ड सो so, ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेप कमिंग टू द थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप हमारा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा जो कि यहाँ आप ऑलरेडी आपको दिया है अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव देन टेस्ट स्टेटिस्टिक की बात करें तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा इट इज़ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा x मेरा कितना है तो x है मेरा विच इज़ नंबर ऑफ सक्सेस हमने बोला था विच इज़ वन एटी थ्री देन म्यू है फोर एटी एंड सिगमा है फिफ्टीन पॉइंट फोर नाइन तो ये जो है हमारी Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओपन सिगमा ये हमारा हो जाएगा एक जनरल इक्वेशन फॉर Z. जैसे जैसे टेस्ट चेंज होंगे जैसे कि सिंगल प्रोपोर्शन है डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है वैसे वैसे ये जो हमारी जनरल फॉर्मूला है वो चेंज होगी सो so, पर्टिकुलरली बात करें तो कोई कॉइन का सम हो गया या डाइस का सम हो गया वैसे जो जनरल सम्स है उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीओपॉन सिग्मा सो यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा माइनस नाइनटीन पॉइंट वन सेवन आपको लिखना है उसे मोड z इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट वन सेवन अब हम देख लेते हैं ये टेबल जो कि आपको याद रखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा है विच इज़ वन परसेंट फाइव परसेंट एंड टेन परसेंट और लिखा हुआ है टू टेल टेस्ट राइट टेल टेस्ट एंड लेफ़्टेल टेस्ट मतलब कि मैंने आपको ऑलरेडी सारी टर्म्स एक्सप्लेन कर दी है कि टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट होता क्या है एंड उसमें हमारी बात हुई थी अबाउट राइट टेल टेस्ट एंड लेफ़्टेल टेस्ट वन टेल टेस्ट को दो तरीके से हम इंडिकेट करते हैं एक होता है राइट टेल टेस्ट और दूसरा होता है लेफ्ट टेल टेस्ट तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो वैल्यूज़ मेरी राइट टेल टेस्ट की है वही वैल्यूज़ लेफ्ट टेल टेस्ट की भी है ओनली द डिफरेंसेज दर इज़ अ नेगेटिव साइन यूज इन द लेफ्ट टेल टेस्ट आई हैव एक्सप्लेन एवरी थिंग इन माई फर्स्ट वीडियो सो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें अभी यहाँ पे बात करते हैं तो टू टेल्ड टेस्ट के लिए वन परसेंट जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा मेरा दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो वन अल्फा होगा तो टू टेल टेस्ट के लिए वैल्यू होती है टू पॉइंट फाइव एट देन फाइव परसेंट अगर अल्फा है विच इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव तो मेरी वैल्यू कितनी है वन पॉइंट नाइन सिक्स देन टेन परसेंट जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तब मेरी वैल्यू है फॉर टू टेल टेस्ट वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव वैसे ही राइट टेल टेस्ट की बात करें तो वैल्यूज़ आर टू पॉइंट थ्री थ्री वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव एंड वन पॉइंट टू एट एज आई सेड राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट में सिंपल क्या डिफरेंस है लेफ़्ट टेल टेस्ट में वैल्यू के पहले नेगेटिव साइन आ जाएगी अभी जैसे कि मैं आपको पूछ रही हूँ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वन परसेंट है एंड राइट टेल टेस्ट है तो आपको तुरंत वैल्यू क्या याद आनी चाहिए तो मुझे वैल्यू याद आनी चाहिए अल्फा वन परसेंट एंड राइट टेल टेस्ट के लिए मेरी वैल्यू हो जाएगी टू पॉइंट थ्री थ्री इसे हम ऐसे लिखेंगे जेड अल्फ़ा या तो लिखना है जेड ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी इट विल बी टू पॉइंट थ्री थ्री तो आपको ये छ वैल्यूज़ याद रख लेनी है छः इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने बोला आपको कि लेफ़्ट हिल टेस्ट में सिर्फ नेगेटिव साइन आएगी तो राइट हिल टेस्ट की वैल्यूज़ याद है तो नेगेटिव साइन ही करनी है आपको एंड सेकेंड थिंग मैं आपको आपको लेफ्ट हिल टेस्ट की वैल्यूज़ मोर में लिखनी होती है सो वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव ही हो जाएगी सो दिस इज़ द टेबल यू नीड टू रिमेंबर अब हमारे नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिकल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू मेरी क्या होगी सी हीर अनबायस्ड और बायस्ड तो मतलब आपका जो टेस्ट हो जाएगा दैट विल बी टू टेल्ड टेस्ट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है अनबायस्ड और बायस्ड जब भी हम बात कर रहे हैं तो आपका टेस्ट क्या हो जाएगा इट विल बी ए टू टेल्ड टेस्ट अभी टू टेल टेस्ट है एंड आल्फाइज जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो आपकी क्रिटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी हेज आई सेट कि आपको टेबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो टू टेल टेस्ट एंड आल्फा इज़ फाइव परसेंट दैट इज़ जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव तो वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी इट विल बी वन पॉइंट नाइन सिक्स सो हेयर विल राइट दिस एज जेड ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन सिक्स ये मिल गई मुझे मेरी जेड आल्फ़ा की वैल्यू अभी मेरा मोड़ है z है 19.17 एंड Z 0.05 आया है 1.96 इसका मतलब हो जाता है कि मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा इट विल बी रिजेक्टेड बिकॉज मोड z इज ग्रेटर देन z 0.05. The null hypothesis द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड देन आपको लिखना है कि कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपने उसको रिजेक्ट किया है तो हम लिख लेंगे कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या तो नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड एट फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिर हमें लिखना है जो सेम सेंटेंस हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखा था वही हमें लिखना होगा बिकॉज नल हाइपोथेसिस मेरा हो गया है रिजेक्ट तो मैं एक्सेप्ट किसको करूँगी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूँगी तो हम लिख लेंगे दैट इज द कॉइन इज़ बायस्ड सो ये था एक जनरल एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द जेड टेस्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन तो जब भी आपको सिंगल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखने मिलेगा तो आपको दो प्रोपोर्शन दिए होंगे तो आप सोचेंगे कि अभी तो मैंने बोला कि टेस्ट ऑफ़ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन तो फिर दो प्रपोर्शन्स क्यों दिए होंगे तो एक प्रोपोर्शन आपका होगा सिंपल प्रोपोर्शन और दूसरा प्रोपोर्शन आपका होगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एच नॉट और एच वन तो एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस में हम कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को कंपेयर करते वक्त पी इज़ इक्वल टू पी नॉट यहाँ पर ये पी नॉट है कुछ वैल्यू जो कि आपको कहाँ मिलेगी क्वेश्चन में और H1, H1 में क्या होगा P इज़ नॉट इक्वल टू P नॉट जिसमें दो चीज़ें हो सकती हैं या तो P इज़ ग्रेटर देन P नॉट या तो फिर P इज़ लेस देन P नॉट अभी Z की बात करें तो Z इज़ इक्वल टू ये आपको याद रखनी है फॉर्मूला जैसे कि मैंने बोला था हर टेस्ट के लिए Z की जो फॉर्मूला होगी वो चेंज होगी सिंगल प्रोपोर्शन में आपको याद रखनी है ये फॉर्मूला P माइनस पी जहाँ पे फर्स्ट वाला जो पी है दैट इज स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल पी इन कैपिटल क्यू अपॉन एन यहाँ पे कैपिटल क्यू आप कैसे फाइंड करेंगे यू विल विडेट बाई वन माइनस कैपिटल पी द स्मॉल पी इज योर सैम्पल प्रोपोर्शन कैपिटल पी इज योर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 95% कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी जाती है कई बार क्वेश्चन में तो 95% फाइव कॉन्फिडेंस लिमिट अगर आपको फ़ाइंड करने के लिए बोला गया है देन यू विल बी यूजिंग द फॉमूला स्मॉल पी प्लस माइनस 1.96 पॉइंट नाइन सिक्स अंडर रूट ऑफ कैपिटल पी क्यू अपॉन एन वैसे ही अगर आपको बोला है 99% नाइन कॉन्फिडेंस लिमिट्स फ़ाइंड करने के लिए देन इट विल बी स्मॉल पी प्लस माइनस टू पॉइंट अंडर रूट ऑफ कैपिटल पी क्यू अपऑन एन ये 2.58 क्या है तो अगर आपको याद आ रहा हो तो टेबल में

So, this is all that you need to remember for a single proportion. Now, let's start with an example. If you want, you can take a screenshot of this. The first example is a salesman in a departmental store claims that at most 60% of the shoppers entering the store leave without making a purchase. A random sample of 50 shoppers showed that 35 of them. लेफ्ट विदाउट मेकिंग अ परचिस आर दी सैम्पल रिजल्ट कंसिस्टेंट विद द क्लेम ऑफ द सेल्स मैन यूज़ अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव यहाँ पे बोला है एट मोस्ट सिक्सटी परसेंट एट मोस्ट का मतलब होता है लेस दैन इक्वल टू सिक्सटी परसेंटेज मतलब जो सेल्स मैन है वो क्या क्लेम कर रहा है कि लेस दैन इक्वल टू सिक्सटी परसेंटेज जितने जो उसके शॉपर्स है वो कोई भी परचेस किए बिना शॉप से निकल जाते हैं दिस मीन्स कि ये जो सिक्सटी परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी मेरी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की वैल्यू जिसे हम लिखेंगे पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स बिकॉज सिक्सटी परसेंटेज दैट इज सिक्सटी बाई हंड्रेड अब ये जो सेल्स मैन है उसे ऑलरेडी पता ही है कि लेस देन इक्वल टू सिक्सटी परसेंटेज शॉपर्स जो है वो कोई भी परचेस किए बिना चले जाते हैं उसकी शॉप से दिस मीन्स कि मुझे मेरा जो क्लेम है वो किसके लिए टेस्ट करना होगा सो एल टेस्टड फॉर प्रोपोर्शन ग्रेटर देन सिक्सटी परसेंटेज बिकॉज ऑलरेडी मुझे पता है कि सिक्सटी परसेंटेज जितने लोग तो शॉपिंग किए बिना निकल ही जा रहे हैं तो मुझे क्या चेक करना होगा कि क्या सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा निकल रहे बिना शॉप किए या बिना कुछ परचेस किए आर फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट द सम्पल प्रोपॉर्शन एंड द पॉपुलेशन प्रपोर्शन सैम्पल प्रपोर्शन विच अ स्मॉल पी सो स्मॉल पी विच इंडिकेट सैम्पल प्रपोर्शन ऑफ शॉपर्स नॉट मेकिंग अ परचिस अभी जैसे कि यहाँ पर बात करें अ रेंडम सैम्पल ऑफ फिफ्टी शॉपर्स श्योर दैट थर्टी फाइव ऑफ दम लेफ्ट विदाउट मेकिंग अ परचिस तो मुझे दोनों ही चीज़ें मिल गई एक तो मेरा पॉपुलेशन प्रपोर्शन जो कि कितना होगा आई टोल्ड यू सिक्सटी परसेंट विच इज़ सिक्सटी बाई हंड्रेड तो पॉइंट सिक्स हो जाएगा अभी कैपिटल क्यू की अगर हम बात करें इट इज़ वन माइनस पी सो वन माइनस पॉइंट सिक्स जो कि होगा पॉइंट फोर एंड स्मॉल पी की अगर हम बात करें तो स्मॉल पी विच इज़ सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ शॉपर्स नॉट मेकिंग अ परचेस तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिया है रैंडम सैम्पल ऑफ फिफ्टी शॉपर्स शोर दैट थर्टी फाइव ऑफ दम लेफ़्ट विदाउट मेकिंग अ परचेज सिक्सटी में से पार्डन फिफ्टी में से थर्टी फाइव ने कोई परचेज नहीं की है सो so, इसे हम कैसे लिखेंगे विल राइट दिस एज थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टी थर्टी फाइव डिवाइड बाई फिफ्टी कितना हो जाएगा इट विल बी पॉइंट सेवन सो हमें हमारा सैम्पल प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दोनों मिल गया है वी ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू स्टार्टिंग विथआउट फर्स्ट स्टेप विच इज़ नल हाइपोथाइसिस नल हाइपोथाइसिस एच नॉट हमें पॉपुलेशन पैरामीटर को कंपेयर करना है दैट इज़ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम लिखेंगे p इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें क्या लिखना होता है p इक्वल टू पी नॉट यहाँ पर ये पी नॉट जो है वो कोई वैल्यू है विच इज़ गिवन टू यू इन द क्वेश्चन सो p इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स हो जाएगा हम लिख लेंगे कि दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ

विद द फोर्थ स्टेप विच इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक उसमें हमारी फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए फॉर सिंगल प्रपोर्शन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुझे सैम्पल प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन प्रपोर्शन यही दिया है दिस मीन्स कि ये क्वेश्चन मेरा कौन सा हो जाएगा सिंगल प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा सो स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल पी क्यू बाई एन स्मॉल पी है मेरा पॉइंट सेवन कैपिटल पी जो कि है मेरा पॉइंट सिक्स

इट इज़ राइट टेल टेस्ट एंड अल्फ़ा इज जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव सो राइट टेल टेस्ट और फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए वैल्यू मुझे क्या याद होनी चाहिए इट इज़ वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव क्रिटिकल वैल्यू मेरी जेड जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स फोर फ़ाइव वो टेबल आपको दिया नहीं जाएगा यू नीड टू रिमेंबर दैट टेबल अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग सो जेड जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव इज़ इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स फोर फ़ाइव देन डिसीजन की बात करें तो डिसीजन क्या हो जाएगा मेरा मैंने जैसे आपको बोला टेस्ट स्टेटिस्टिक में आप मोड जेड इक्वल वन पॉइंट फोर फोर थ्री करके लिखेंगे बिकॉज वन पॉइंट फोर फोर थ्री इज़ लेस देन वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव दैट इज़ विल राइट मोड जेड इज़ लेस देन जेड जीरो पॉइंट जीरो फाइव द नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा इसमें इट विल बी एक्सेप्टेड और दूसरा मैंने आपको बताया है कि एक्सेप्ट हो गया तो आपको क्या करना है जो सेंटेंस आपने नल हाइपोथेसिस में लिखा है वही सेम यहाँ पे आप लिख लेंगे तो आपको लिखना है दैट इज यहाँ हमने नल हाइपोथेसिस में लिखा था द प्रोपोर्शन ऑफ शॉपर्स नॉट मेकिंग अ परचेस इज सिक्सटी परसेंटेज या तो आप ये लिखे या तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे दिया है आर दी सैम्पल रिजॉल्स कंसिस्टेंट विद द क्लेम ऑफ द सेल्स तो आप दूसरा लिख सकते हैं दैट इज The sample results are consistent with the claim of the salesman. Let's solve another example. In a random sample of 160 workers exposed to a certain amount of radiation, 24 experienced some ill effects. Construct 95% confidence interval for corresponding true percentage. So if you asked the confidence interval. तो आपको कॉन्फिडेंस लिमिट वाली फॉर्मूला यूज़ करनी होगी सो यू नीड टू रिमेंबर दैट ट्रू परसेंट इसलिए लिखा है बिकॉज नाइन्टी फाइव परसेंट जो होगा दैट विल बी योर एक्सेप्टेंस रीजन एंड फाइव परसेंट विल बी योर रिजेक्शन रीजन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजीज हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन टू अस इन अ रेंडम सैम्पल ऑफ वन सिक्सटी वर्कर्स सो दिस वन सिक्सटी विल बी माई स्मॉल एंड स्मॉल एंड इज इक्वल वन सिक्सटी then 24 experienced some ill effects 24 experienced some ill effects iska matlab mujhe sample proportion diya so, hai to hame lik lena hai p that is the sample proportion of workers exposed to radiation ab jab bhi ye example solve kar rahe hain tab exam mein aapko aisa mention karna padega ki p जो है वो मेरा क्या indicate कर रहा है? it is sample proportion of workers exposed to radiation टोटल वर्कर्स 160 है उसमें से कितने रेडिएशन को एक्सपोज है तो 24 फोर दैट इज़ विल राइट ट्वेंटी फोर अपॉन वन सिक्सटी विच इज़ इक्वल टू पॉइंट वन फाइव स्मॉल क्यू फाइंड कर लेना है विच इज़ वन माइनस पी एंड इट विल बी वन माइनस पॉइंट वन फाइव विच इज़ इक्वल टू पॉइंट एट फाइव यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैपिटल पी आपको नहीं दिया है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल पी नहीं है आपके पास तो डेफ़िनेटली आप कैपिटल क्यू तो फाइंड नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या यूज़ करना है कॉन्फिडेंस लिमिट वाले फार्मूला में यू नीड टू यूज स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू सो हमारा पी है स्मॉल पी विच इज़ पॉइंट वन फाइव एंड स्मॉल क्यू इज़ पॉइंट एट फाइव वी ऑलरेडी नो द फार्मूला फॉर नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस लिमिट फार्मूला है हमारी स्मॉल पी माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स अंडर रूट ऑफ मैंने आपको बताया था कैपिटल पी इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एन जहाँ मैंने आपको बोला था कैपिटल पी इंटू कैपिटल क्यू को आप रिप्लेस करेंगे स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू से इफ़ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू दूसरी चीज़ हमने ये फॉर्मूला कैसे लिखी थी वी हैड इट अटैच पी प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है बस कॉमा कर दिया है पहले मैंने माइनस वाला ले लिया और फिर मैंने लिया प्लस वाला तो स्मॉल पी है मेरा पॉइंट वन फाइव माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स अंडर रूट ऑफ पी इंटू क्यू पी है मेरा पॉइंट वन फाइव क्यू है मेरा पॉइंट एट फाइव अपॉन वन सिक्सटी ये सेम मुझे बीच में क्या आ जाएगा सिर्फ प्लस साइन दैट इज पॉइंट वन फाइव प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स अंडर रूट ऑफ पॉइंट वन फाइव इंटू पॉइंट एट फाइव अपॉन वन सिक्सटी पहले हम स्क्वायर रूट में जो है वो फाइंड कर लेते हैं कैलसी में सोट वल बी पॉइंट वन फाइव इंटू पॉइंट एट डिवाइडेड बाई वन जो कि आ रहा है इतना इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर इज़ कमिंग एज़ 0.0282 अभी इसके साथ 1.96 मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो इट इज़ कमिंग एज 0.0553 अब सिंपल आपको ये वैल्यू एक बार सब्ट्रेक्ट करनी है पॉइंट वन फाइव में से और एक बार पॉइंट वन फाइव में ऐड कर लेनी है सो पॉइंट वन फाइव माइनस जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव फाइव थ्री कॉमा करके लिखना है पॉइंट वन फाइव प्लस ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव थ्री तो ये क्या हो जाएगा एक बार देख लेते हैं पॉइंट वन फाइव प्लस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव फाइव थ्री जो कि होगा ज़ीरो पॉइंट टू जीरो फाइव थ्री एंड पॉइंट वन फाइव माइनस ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव थ्री वो कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन फ़ोर सेवन तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई है सो कॉन्फिडेंस लिमिट या तो हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल वो कितना होगा मेरा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन फ़ोर सेवन टू ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो फाइव थ्री विद दिस आई हैव कवर बोथ द टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू टेस्ट ऑफ़ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन the next video will be on test of significance for difference of proportions please don't forget to like the video and subscribe my channel thank you